हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम लोग कैरी को लेकर जा रहे हैं पार्क, और उसने बहुत दिनों से पार्क में घूमा भी नहीं था और वो कार में बैठ के इतनी हैप्पी हो जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है ट्रेवलिंग करना कार में, तो वो सब जगह देख रही है और अभी वो मेरी गोदी में आ जाएगी। तो वो गोदी में बैठ के बाहर का नज़ारा देखती है और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इतनी क्यूट, इतनी प्यारी है ना कि मैं उसे गोद में ही ली रहती हूँ और इतने बच्चों जैसी बैठी रहती है। वैसे वो मेरी बच्ची ही है, मेरी जिगर का टुकड़ा, छोटी सी मासूम सी और इतनी प्यारी स्माइल है, और वो इतने प्यार से बैठी है मेरे पास। और ठंड का समय है और ठंड वैसे बहुत लग रही थी क्योंकि सुबह का टाइम था, पर हम लोग के फेस में गुनगुनी धूप लग रही थी तो अच्छा लग रहा था। और केरी को तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो सुबह टाइम उठती है तो सीधे जाके धूप में बैठ जाती है और 3-4 घंटे वो धूप ही में रहती है। तो कार में धूप आ रही थी तो उसको बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यार से बैठी हुई थी मेरे पास। केरी को पता है कि दीदी मुझे कहाँ ले जा रही है और हम लोग कितना इन्जॉय करने वाले हैं वहाँ पर, और उसको पार्क हम लोग ले जाते रहते हैं, तो उसे समझ में आ गया था कि आज मैं बहुत मस्ती करूँगी और पार्क जा रही हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से वो बैठी हुई है, गुड गर्ल के जैसे बैठी हुई है और बस धूप का आनंद ले रही है। तो अभी ले कर चलते हैं, और पार्क हमारे घर से पास ही में है तो उसको हम लोग ले जाते ही रहते हैं। केरी को गोदी में खड़ा होना बहुत अच्छा लगता है और अब वो बैठे बैठे बोर हो चुकी है तो वो खड़ी हो गई है। उसको बाहर देखना है कि गाड़ियाँ आ जा रही हैं, इधर से उधर हो रही थी और गाड़ियों को देख रही थी तो उसको बहुत मस्ती कर रही थी वैसे वो गाड़ियों में, उसको मैं संभाल ही नहीं पा रही थी। और अब मैंने उसको गोदी में बिठा लाया, ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा लाया कि बैठे रहो, बस पहुँचने वाले हैं अपन, इतना मत परेशान हो। पर वो इतनी मासूम और इतनी क्यूट है ना। मैंने केरी को बोला इधर बैठ जाओ और उधम मत करो, तो उसने मेरा कहना सुन लिया और बिल्कुल उधम नहीं कर रही थी, शांति से बैठी हुई है, उतने प्यार से बैठी हुई है मेरे पास, तो उसने कोई भी उधम नहीं किया और हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे। हम लोग पार्क आ चुके हैं और केरी को बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो पार्क में आकर बहुत हैप्पी हो रही है, इधर से उधर भाग रही है। पर मैं उसकी चेन अभी खोल नहीं सकती हूँ, अगर मैंने उसकी चेन खोल दी तो फिर उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो इतनी तेज़ दौड़ लगाती है। तो अभी हम लोग उसको बस इधर ही से उधर घुमा रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद उसकी चेन खोल देंगे तो फिर वो खेलती रहेगी अपना। चलो बैठो, आ जाओ, थक गए ना, क्यों कैरी थक गई है कैरी, खूब दौड़ ली कैरी है ना, प्यारी जीप लग रही इसकी। I'm stuck on a beat,
I see the same skies every night. Oh, I need a sign, I need a reason why I'm alive. Cause I can figure out what I'm doing. Come on, water. पानी पी लो, कलाई भरो ना, पूरी कलाई भरो ना मेरी। देखो देखो, पहले कलाई भरो, ये लो, कैरी लो, कैरी लो, कैरी लो, कलाई पूरी भर दो। बहुत बढ़िया, और भर दो, ये लो, ये ले चलो, ले लो, ये लो, ये लो, ये लो, लो लो पी लो, ये लो, ये लो पियो, ये लो, ये लो, लो लो, ये लो। ये लो पी लो, लो कैरी लो, बहुत इसके लिए ना पीता, बस और पीना है, ये लो, लो, ये लो, ये लो और पी लो। दिया था यार, ये लो, बस प्यास लगी थी तो विजय नो दीदी ने पानी पिला दिया है और अब ये ठंडे पे बैठी यहाँ पे, उसको ठंडक लग रही है ना, तो इतना दौड़ी है वो, इतना ज्यादा दौड़ ली है कि वो थक चुकी है। कैरी, हेलो, हाँ कैरी, आ जाओ, चले, चलो हम जा रहे हैं, चलो आओ, चलो जाओ वहाँ वहाँ, कार से चलना है, कार से चलो। हम सभी जा रहे हैं अब घर। वो केरी ने बहुत खेला, उसे बहुत अच्छा लगा और वो थक भी बहुत गई थी, तो अब वो जलेली कार में भी बैठ जाएगी क्योंकि उसे पता चल रहा है कि अब हम लोग घर जा रहे हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।